हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिमंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के ऑफिशियली रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपको ये मूवी कैसी लगी, तो मेरा रिटर्न में आंसर यही होगा कि भाई तूने ये क्वेश्चन पूछ कैसे लिया, इस मूवी में बुरा बताने लायक है क्या, भाई तू ही बता इस मूवी में ऐसा क्या बुरा था। अगर मेरे से पूछा जाए इस मूवी में अच्छा क्या था, तो ये मूवी 3 घंटे 2 मिनट की कहीं से भी बुरियत नहीं थी। कोई कह रहा था कि स्टार्टिंग में स्लो थी, कोई कह रहा एंडिंग में फास्ट थी, तो मेरे हिसाब से अगर जो ट्रू मार्वल फैंस हैं उनके लिए ये मूवी बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस थी। शायद वो लोग ऐसा बोल रहे हैं जो कि पहली बार इस मूवी को देख रहे हैं, जिन्होंने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर या एवेंजर एंड गेम की कुछ मूवी देखी है, तो शायद उनको मूवी ये स्लो फास्ट लगी हो, पर मेरे हिसाब से ये मूवी बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस थी। मेरा शो करीब 10 बजे का था, फिर उसके बाद शो मेरा 1 बजे खत्म हुआ। मेरी हालत कुछ इतनी बुरी थी कि मेरा गला एकदम दर्द कर रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। आप मेरी वॉइस भी समझ सकते हो कि कैसी हो रही है इस टाइम, और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। घर पे आके मैं सोच रहा था कि सो जाऊँ, आराम से फ्रेश हो जाऊँ, सर का दर्द बंद हो जाएगा मूवी देखने के बाद जो हुआ, क्योंकि मूवी ने मेरे को सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया कि मैं क्या करूँ, किस पर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, इतने सारे ईस्टर एग दे दिए थे और इमोशनल बहुत था, तो एवरीथिंग मेरे जी सब दिमाग में चीज़ें घूम रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं सोने गया तो एवेंजर एंड गेम के हर एक सीन मेरे दिमाग में आ रहे थे, और पूरा दिन मतलब मेरा बेकार गया। पर फाइनली जब आपके मैसेज आने लग गए, आपने मुझे इमेज सेंड चल भेजना चालू कर दी भाई फर्स्ट शो, और काफ़ी लोगों ने तो सुबह 7 बजे सेंड कर दी, क्योंकि कुछ सिटीज़ में 7 बजे के शो भी थे। तो मार्वल फैंस आप कह सकते हो वो सबको पीछे छोड़ सकते हैं, तो आप लोगों की इमेज ने मुझे इतना ज़्यादा बूस्टअप करा कि फाइनली मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, और आज सुबह फ्रेश होकर मैंने बिल्कुल नहा धो के एकदम परफेक्टली मैंने वीडियो बनाया, और आज देखो मैं रिव्यू दे रहा हूँ। तो हाँ, मूवी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। 11 साल 21 मूवियाँ और एक एपिक मूवी, रूसो ब्रदर्स ने कमाल कर दिया। आने वाले टाइम में रूसो ब्रदर्स शायद टॉप 10 के डायरेक्टर होंगे, और एवेंजर एंड गेम उन मूवीज़ में गिनी जाएगी जो कि बेस्ट टाइम ट्रेवलिंग, बेस्ट कॉमेडी, बेस्ट ड्रामा और बेस्ट एक्शन मूवी और बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी होगी। और एवेंजर एंड गेम एक ऐसी इकलौती शायद मूवी बन सकती है जो कि वर्ल्ड वाइड में सबसे टॉप पे हो, रिकॉर्डिंग के मामले में, स्क्रीनिंग के मामले में। इंडिया में ये लगभग 2000 से ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज करी गई है। अभी तरण आदर्श ने भी इसके ऑफिशियली रिव्यू दी हैं, जिन्होंने बताया कि इसे 5/5 मिले हैं, प्लस सिनेमा स्कोर भी इसे A+ मिला है। तो इस मूवी में अगर कोई ये पूछता है कि भाई आपको ये मूवी कैसी लगी, तो यार वो क्यों पूछ रहा है, इस मूवी में है क्या बुरा बताने लायक। तो रियली में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल थी। इस मूवी को देखने के बाद ट्रू जो मार्वल फैंस हैं, जो डाई हार्ड मार्वल फैंस हैं, वो तो बिल्कुल कोमा में जाने वाले हैं 1-2 घंटे के लिए। तो 1-2 घंटे के बाद वो थोड़ा नॉर्मल होंगे, फिर वो सोचेंगे क्या हुआ, फिर उन्हें लगेगा मैं 2D में देखूँ इस मूवी को, मैं इस मूवी को दोबारा देखूँ शायद। और मुझे लगता है कि शायद अब रिकॉर्ड बनना भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस मूवी को रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं देखने का थिएटर्स में। एक ने 100 बार बनाया, कैप्टन मार्वल का 116 बार, पर एवेंजर एंड गेम का शायद 200 बार बनने वाला है, और जल्दी खबर मैं आपको अपने चैनल पे देने वाला हूँ। और काफ़ी लोगों ने इस मूवी को 4DS में देखा, IMAX में देखा, 3D में देखा, 2D में देखा, रियल 3D में देखा, और देन सभी फैंस के रिव्यू काफ़ी अच्छे थे, और इस मूवी ने इंडिया में रिकॉर्ड बना दिया। फैंस पागल हो गए, क्रेजी हो गए। काफ़ी लोगों ने मुझे वीडियो भी सेंड करी कि भाई देखो पंजाब में लड़ाई चल रही थिएटर में, यहाँ पे लोगों को सांस लेने की जगह नहीं है, और यहाँ देखो भीड़ कितनी है। रियली में वो वीडियो देख के मेरे को लगा कि यार वास्तव में इंडिया मार्वल फैंस बहुत है। अगर इन फ्यूचर मार्वल फेज 4 में कुछ मूवी आती हैं, जैसा कि उस वीडियो में और उस मूवी में ईस्टर एग काफ़ी दे रखे हैं एवेंजर एंड गेम में, अगर डाई हार्ड फैंस ने अगर नोटिस करे होंगे, तो काफ़ी सारे ईस्टर एग हैं। तो मैं धीरे धीरे उन सब पे टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा स्पॉइलर के साथ कि कौन कौन सी मूवी हमें देखने को मिली ईस्टर एग में, भले उसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, टेंशन मत लो, सब वीडियो बनेंगी। पर थैंक यू सो मच इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिन्होंने मुझे ये इमेजेस सेंड करी। तो गाइस, कैसा लगा रिव्यू, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट शेयर करो, जो इस वीडियो नहीं देखे हो, या तो उस पर आयरन मैन की हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।